हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज द साइंस वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ और इस वीडियो में हम चैप्टर थ्री को फिनिश करेंगे जैसे हमने चैप्टर थ्री पहले ही किया है ना मैंने उसे पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्टिव्स भी हुए थे उसके लेकिन क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग उसमें बाकी थे कुछ तो इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे जैसे उसका ऑब्जेक्टिव पहले हो चुका है ना चैप्टर की पढ़ाई भी हो चुकी है तो इसमें हमें वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो हमारा टॉपिक क्या था स्टैंड इन अ क्यू क्यू मीन्स क्या होता है लाइन जो होता है कतार जो होता है जैसे आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे एक लाइन लगा होता है और फिर आपको अपने आपको अपने टर्न का वेट करना होता है तो उसी को हम कहते हैं क्यू तो हमारा टॉपिक वही था ना कि ए, जिसमें एक स्टोरी था कि कैसे वो फादर अपनी डॉटर को समझा रहा होता है कि हमें लाइन में ही खड़े होने चाहिए और हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए इससे कोई भी काम आसानी से होता है तो लेट्स स्टार्ट वीडियो फर्स्ट है हमारा क्यू क्यू uh, का स्पेलिंग क्या है क्यू यू यू क्यू मीन्स ऑफ पीपल वेटिंग फॉर टर्न सेकेंड वन इज पेशेंटली पेशेंटली मतलब विथ पेशेंस मतलब जो धैर्य होता uh, किसी भी चीज को बर्दाश्त जो करना होता पेशेंटली थर्ड वन इज अराइव्ड अराइव्ड मीन्स टू रीच अ प्लेस किसी भी जगह पे पहुंचना उसी को कहते हैं अराइव्ड फोर्थ वन इज कंट्री साइड कंट्री साइड मीन रूरल एरिया होता है ना उसे हम कंट्री साइड बोलते हैं जानवर को राजी करना किसी चीज के लिए जैसे अगर वो आपको रैट माउस का स्टोरी था ना तो उसमें जो टाउन का माउस था जो सिटी का माउस था वो कैसे कंट्री के माउस कंट्री साइड के माउस को वो परसुएट करता है अपने साथ सिटी जाने को और वहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं उसे देखने के लिए सिक्स है अकोपैनी अकम्पैनी मीन्स टू गो बिथ किसी के साथ जाना वो कहलाता है अकम्पैनी बिलोंगिंग बिलोंगिंग मीन्स मूवेबल पोजिशंस जो वैसा सामान जो हम एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से कैरी कर सके ले जा सके एट वन इज अमेज अमेज मीन्स सरप्राइज जैसे जो अचंभित होना होता शॉक होना होता वही है अमेज्ड लिप्ट मीन्स जम्प्ड कूदना और लास्ट है हमारा फीस्ट फीस्ट मीन्स गुड फूड जो आ, अच्छा भोजन होता जैसे ग्रैंड फीस्ट होता तो उसी को हम कहते हैं फीस्ट तो फर्स्ट है हमारा क्यू क्यू मीन्स अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न सेकेंड वन इज पेशेंटली पेशेंटली मीथ विथ पेशेंस थर्ड वन इज अराइव्ड अराइव्ड मीन्स टू रीच अ प्लेस फोर्थ कंट्री साइड रूरल एरिया persuaded persuaded means followed sixth accompany accompany means go with belongings belonging means movable possessions p-o-double-s-e double s i o n s possessions amazed amazed means surprised leaped means jumped and the last one is feast feast means good food good food jo hota acha bhojan jo hota use hum kehte hain feast to ye hamara word meaning ho gaya iske baad abhi hum question answer dekhenge to ye hai hamara question answer first question kya hai why should we stand in a queue हमें line में क्यों खड़ा होना चाहिए? means हमें कतार में क्यों खड़ा होना चाहिए? तो answer क्या है? we should stand in a queue because standing in a queue is the fastest way to get what we want क्योंकि जो भी हम चाहते हैं ना वो सबसे आ, ना, सबसे तेज जरिया है उसे पाने का जैसे अगर आप रश कर दोगे ना उसमें भीड़भाड़ में तो आप उसमें जाओगे तो आपका टर्न नहीं आएगा लोग आएंगे आपको धक्का देकर पीछे करते जाएंगे लेकिन अगर वही अगर उस जगह पे लाइन लगा हो तो आपको आपका नंबर जल्दी आ जाएगा आपका टर्न जल्दी आ जाएगा तो जो भी चीज के लिए हमने लाइन लगाई है जो भी चीज हम चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा तो वही है वी शुड स्टैंड इन अ क्यू बिकॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू इज द फास्टेस्ट वे टू गेट वॉट वी वॉन्ट सेकेंड क्वेश्चन है वॉय डिड द कंट्री माउस गो टू द टाउन जो गांव का माउस था जो गांव का जो चूहा था वो सिटी uh, में क्यों गया था तो क्या हुआ था उसके फ्रेंड ने उसे मनाया था मतलब जो टाउन का माउस था वो उसने उसे परसुएड किया मनाया उसे राजी किया कि तुम मेरे साथ चलो वहां की चीजों को देखो कि गांव में कुछ नहीं रखा है तुम्हें शहर जाना चाहिए यही हुआ था ना तो वही इसका आंसर है द कंट्री माउस वेंट टू द टाउन वो टाउन गया बिकॉज हिज फ्रेंड persuaded हिम टू कम टू सिटी एंड सी द थिंग्स देयर वहां पे जितनी भी चीजें हैं ताकि वो शहर में जाके उसे देखे क्योंकि गांव में कुछ नहीं रखा था गांव में उसके पास अच्छे भोजन भी नहीं थे कि वो उसको ऑफर कर सकता उसने कहा था ना कि तुम्हारे पास यही क्या तुम अपने गेस्ट को यही सारी चीजें ऑफर करते हो कि तुम्हें सिटी आना चाहिए वहाँ का रहन सहन देखना चाहिए कि कैसे वहाँ पे रहते हैं तो इसीलिए वो टाउन गया था ना द कंट्री माउस वेंट टू द टाउन बिकॉज हिज फ्रेंड हिम टू कम टू सिटी एंड सी द थिंग्स देयर ठीक है ताकि वो सिटी में जाए और वहां की चीजों को देखे और समझे तो ये सेकंड हो गया थर्ड है हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा वाई डिड द कंट्री माउस केम बैक टू हिज होम जो गांव का माउस था जो गांव का जो चूहा था वो अपने घर वापस क्यों आ गया था उसे शहर में ऐसी कौन सी दिक्कतें आई परेशानियां आई जिससे वो उसने वापस आने का फैसला लिया तो आंसर क्या है द कंट्री माउस केम बैक टू हिज होम वो अपने घर वापस आ गया बिकॉज He did not feel safe in the city and there was no safety instead of having grand feast. भले वहाँ खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी बहुत अच्छे अच्छे फूड आइटम्स अवेलेबल थे लेकिन क्या था वहाँ पे सेफ्टी नाम का चीज़ नहीं था वहाँ पे स्टोरी में था ना कि एक बिल्ली आती है और वो कैसे चूहों को डरा कर रखती है फिर वो अपने हॉल में चले जाते बाहर नहीं निकलते हैं तो यही था इसी सारी चीजों को देख कर, वो अपने गाँव वापस आ गया क्योंकि वहाँ पे उसे सेफ्टी नजर नहीं आई उसे वहाँ पे सेफ नहीं लगा उसने सोचा कि यहाँ पे बस खाने को अच्छी अच्छी चीजें हैं लेकिन यहाँ पे उसकी जान को खतरा है इसलिए क्या हुआ वो वापस आ गया द कंट्री माउस केम बैक टू हिज होम बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ इन दिटी उसने शहर में सुरक्षित फील uh, नहीं करा एंड देर वॉज नो सेफ्टी स्टेड ऑफ हैविंग ग्रैंड है भले वहाँ अच्छी अच्छी भोजन थी लेकिन वहाँ पे सेफ्टी नहीं था इसलिए वो क्या हुआ वापस आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग हो गया चैप्टर थ्री यहाँ पे फिनिश हो रहा है हम तो अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फोर देखेंगे फोर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये चैप्टर थ्री फिनिश हो गया आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारा कुछ याद करना है ठीक है थैंक यू